हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय विमलेश पूजा चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो ये है सैटरडे की वीडियो और मैं कर रही हूँ क्लीनिंग, मंदिर की क्लीनिंग और पूरे घर की क्लीनिंग करूँगी। तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों को वीडियो में दिखाया है मैंने क्लीनिंग अपने घर की, अपने मंदिर की। और इसमें 3 दिन का वीडियो है, मतलब सैटरडे का वीडियो है और संडे का भी थोड़ा सा वीडियो है और जो है मंडे का नवरात्रि का भी वीडियो। तो ये देखिए, मैंने मंदिर को साफ़ कर लिया है और यहाँ पे बर्तन ले आई हूँ धोने के लिए और कपड़े मंदिर के धोने के लिए लेकर आ गई हूँ। तो यहाँ पे देखिए, धो के सारा डाल दिया है, बर्तन वगैरह धुल चुके हैं। तो यहाँ पे आ गई हूँ खिड़की साफ़ करने के लिए किचन की। तो ये खिड़की वगैरह भी क्लीन कर लूँगी मैं, दोनों खिड़कियाँ दोनों साइड की अच्छे से क्लीन कर लूँगी और थोड़े से जाले वगैरह भी जो थोड़े बहुत लगे होंगे तो वो साफ़ कर दूँगी मैं। तो वैसे भी मतलब बीच बीच में क्लीनिंग करती रहती हूँ तो ज़्यादा जाले वगैरह नहीं लगे हैं। तो सारे ये देखिए जाले वगैरह मैं यहाँ पे भी साफ़ कर दूँगी, सारा कुछ अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो उसके बाद जो है झाड़ू लगा लूँगी मैं। तो यहाँ पे टेबल रखा हुआ था फ्रिज के पास, तो टेबल हटाकर और झाड़ू लगा लूँगी। यहाँ पे काफ़ी सारे देखो गंदगी निकल जाती है, रेगुलर झाड़ू वगैरह लगाते रहो फिर भी गंदगी हो ही जाती है। तो ये देखिए, इसको सेट करके दोबारा से लगा दूँगी यहाँ पे और उसके बाद पूरे घर में झाड़ू लगा लूँगी। झाड़ू लगाने के बाद फिर मुझे पोछा भी लगाना है तो पोछा वगैरह कर लूँगी सारा काम। और झाड़ू लगाने के बाद आ गई हूँ, पोछा लगा लूँगी अच्छे से। तो देख सकते हो मैं हर जगह कोने कोने में पोछा लगा लेती हूँ और ये किचन का टेबल है, इसके नीचे भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो मैं इसी से पोछा लगा लेती हूँ, मोप से ना हर जगह कोने कोने में लग जाता है पोछा, तो मैं इसी से लगा लेती हूँ और कभी कभी हाथ से भी लगा लेती हूँ पोछा। तो ये देखिए सारा अच्छे से क्लीन हो गया है और 2-3 बार धो धो के अच्छे से कमरे में पोछा कर देती हूँ। और बाहर गाड़ियाँ जा रही है जैसे कि आप लोगों को पता ही है, बहुत ज़्यादा आवाज़ें करती हैं और बच्चे भी खेल रहे हैं तो उनकी भी थोड़ी बहुत आवाज़ें आ रही होगी आपको। तो चलिए पोछा लगा लेती हूँ और उसके बाद संडे की, ये देखिए संडे की वीडियो है, मॉर्निंग में बनाया था पकौड़े आलू के, इसे फिंगर चिप्स भी बोल सकते हैं, तो ये वही बनाए थे और प्याज के भी पकौड़े बनाए थे। तो सारे बैठ के इंजॉय कर रहे हैं संडे, तो संडे को पकोड़े वगैरह बन जाते हैं तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं और हस्बैंड भी खुश हो जाते हैं। तो मैं भी थोड़ा सा चख के देख रही थी कैसा बना हुआ है पकोड़े और टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था पकोड़े। तो उसके बाद मैं आप लोगों को नवरात्रि के दिन मिलूँगी, तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। तो नवरात्रि का आप सभी को एक बार फिर से वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पे माता रानी का श्रृंगार कर रही हूँ मैं, तो कपड़े वगैरह पहना दिए थे और माता रानी को श्रृंगार करके बिठा दूँगी मैं मंदिर में। और उसके बाद मैं गणेश जी को भी नहला कर बिठाऊँगी, तो उनको देख रही थी किस साइड मुझे बिठाना है और फिर उनको नहला के और बिठा दूँगी उनके स्थान पर थोड़ा सा चावल रख के। तो ये देखिए नहला दे रही हूँ और आप लोग फुल वॉच के साथ वीडियो वॉच करिए, मैं यहाँ पे म्यूजिक लगा लेती हूँ, आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए जैसे जैसे मैं कर रही हूँ। और आप लोग देखिए, और भूल चुका अगर हुई है तो आप लोग देख लेना क्योंकि मुझे ज़्यादा पूजा पाठ नहीं आता है, जैसा भी आता है मैंने कर दिया। तो अपने गणेश जी को भी मैंने बिठा दिया, स्थापित कर दिया है और उनको भी मैंने टीका वगैरह लगा दिया है। और यहाँ पे कलश स्थापना कर रही हूँ, तो ये देखिए थोड़े से चावल रख दिए हैं कलश के नीचे, तो थोड़ी सी मंदिर में थोड़ी सी जगह में सारा कुछ मैंने अच्छे से कर दिया है, तो आप लोग देख ही सकते हो। तो यहाँ पे कलश स्थापना भी हो गई है और फिर उसके बाद मैं ज्वारी जो होती है वो बीज दूंगी। तो ये देखिए मत्था टेक ले रही हूँ मैं कलश को और कलश में जितने भी भगवान होते, देवी देवता होते हैं सभी को उनको बुला रही हूँ मैं, सभी आ जाइए कलश में। तो सभी देवी देवता कलश में होते हैं, तो कलश की स्थापना भी हो चुकी है और अब मैं जो है ज्वारी बीज दूंगी और फूलों से सजा दूंगी पूरे मंदिर को अच्छे से, सभी को फूल भी अर्पण कर दूंगी मैं। तो बस जितना आता है मैंने वैसे ही पूजा कर ली थी, बस भूल चूक जो भी है माता रानी माफ़ करेंगी मुझे, तो ये भी हो गया है और देख सकते हो। उसके बाद जो है जय माता दी, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो नवरात्रि की
मेरी पूजा लगभग हो चुकी है, बस आरती करनी है। तो आप सभी का उससे पहले वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आई होप ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे और माता रानी की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए माता की आरती करते हैं और हस्बैंड का इंतज़ार कर रही थी, बाकी सब कुछ हो गया है, अब बस हम सारे मिलके आरती करेंगे। तो बेटा तो उठाया नहीं है अभी तक, वो सो रहा है और बस हम ही तीनों हैं आरती करने के लिए। देखती हूँ कब उठता है, वो आज उठ नहीं रहा, रोज़ उठ जाता था। तो आज मैंने येलो और ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है, न्यू साड़ी है ये भी। तो चलिए आरती करते हैं और आप सब वीडियो में बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, फुल वॉच कीजिएगा। जय माता दी, आप सभी की माता रानी मनोकामना पूरी करें और सभी यूट्यूब पे आगे बढ़ें। तो चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हस्बैंड जी आ गए थे और मैं कर रही हूँ आरती और हस्बैंड जी आरती पढ़ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे वॉइसिंग डाली है क्योंकि पीछे गाने भी चल रहे थे, धीरे धीरे वो जो है इस पर आ गया है, तो इसलिए कॉपीराइट आने का डर होता है। तो मैंने उसे कट जो है कट कर दिया था और वॉइसिंग अपनी डाल दिया है। तो ये देखिए आरती कर लेंगे पूरी फैमिली के साथ, तो मेरी बेटी भी है, हम सारे मिलकर आरती कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देख सकते हो मेरी पूजा हो चुकी है और आरती भी हो गई है। तो आप लोग मंदिर के दर्शन कर लीजिए, माता रानी के दर्शन कर लीजिए। तो इसके बाद ये देखिए घर के बाहर का नज़ारा क्या है, बहुत ही ज़्यादा धुंध पड़ी हुई थी। तो देख सकते हो आप लोग कितनी धुंध पड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि सर्दी हो आ गई है और बहुत ही ठंडा मौसम हो चुका था, मतलब ठंड भी लगने लगी थी धीरे धीरे। पंखा अब चलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है रात को, देख सकते हो कितना ठंडा मौसम है। तो यहाँ पे तोरण बना रही थी मैं, तो एक तोरण बना के दरवाजे पर लगा चुकी थी और ये मंदिर के लिए तोरण नहीं लगाया था मंदिर पे, तो ये मंदिर के लिए भी तोरण मैं बना रही थी, तो इसे भी लगा दूंगी तोरण। तो बहुत ही अच्छा लगता है और शुभ होता है आम के पत्ते का तोरण लगाना, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसको भी लगा दूंगी मैं और आज का वीडियो बस यहीं तक, कल मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और एक बार जाते जाते फिर से ज़ोर से बोले जय माता की, बोल साचे दरबार की जय। आप सबकी मनोकामना माता रानी पूरी करे और साथ के साथ मेरी भी मनोकामनाएं पूरी करे। तो ये देखिए तोरण भी लग चुका है, तो चलिए फ्रेंड्स बाय बाय, जय माता दी। वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स बाय बाय।